नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ट्विंकल और आप देख रहे हैं जेड टीवी न्यूज 24। तो आइए रुक करते हैं आज की दिन भर की छोटी बड़ी खबरों की ओर। 16 तारीख को एक घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति से तीन मोटरसाइकिल सवार युवकों के द्वारा, वो स्कूटी से आ रहा था और उससे पहले गाड़ी रोक के उससे ATM उन्होंने छीना और उसके बाद में जब उसकी स्कूटी को चेक किया गया तो उसमें करीब 4 लाख रुपये थे, उसको इनके द्वारा लूट लिया गया। लूटने के बाद में ये लोग वहाँ से मौके से फरार हो गए। इनके द्वारा उस दिन एक व्यक्ति के साथ में और व्यक्ति के साथ में मारपीट की गई थी, तो उसने इनकी जो पहचान साहिल और मुसद्दी और फरमान के रूप में की थी और इसी की पहचान पर जो मुकदमाबाजी है उनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी जिसमें इन लोगों के खिलाफ में IPC की धारा 392 है और 427 के तहत इनके विरुद्ध एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उसी में आज सुबह एक अभियुक्त की पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तारी हुई थी जिसका नाम फरमान है और उसके पास से करीब 80,000 रुपये नकद मिला था और एक मोटरसाइकिल उसके पास से बरामद हुई थी और एक तमंचा और खोखा कारतूस बरामद हुआ था और उसी की पूछताछ में दो लोगों का नाम प्रकाश नायर इनकी जानकारी मिली जिसमें एक का नाम साहिल है और दूसरे का जो नाम है वो मुसद्दी है और इनको आज उसी की उसकी पूछताछ के बाद में लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें इनके पास में से एक व्यक्ति के पास में 40,000 रुपया और साहिल के पास से 40,000 रुपया, एक मोटरसाइकिल और जो दूसरे हैं मुदस्सिर इनके पास से एक 12 बोर का तमंचा, जिंदा कारतूस और 30,000 रुपया इनके पास से बरामद हुआ है। इस तरीके से आज टोटल जो तीनों लोगों से करीब 1,49,000 और 2 मोटरसाइकिल और 1 चाकू, 2 तमंचा और 1 ATM कार्ड जो कि लूट में गया था ये इनके पास से बरामद हुआ है और आज इन तीनों लोगों की जो गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजा जा रहा है। और उस दिन घटना में करीब इनके द्वारा 4 लाख रुपए की लूट की गई थी, जो बाकी जो पैसा है उसकी बरामदगी का इसमें प्रयास किया जा रहा है। तो पकड़े गए आरोपियों को अपराधी क्या थी? इसमें से सुबह जो अभियुक्त के खिलाफ में जो पुलिस मुठभेड़ में मिला था उसके विरुद्ध पूर्व में 4 मुकदमे हैं, ये जो दोनों लोग हैं इनके विरुद्ध कोई मुकदमा